हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी लड़का या लड़की अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए निकलते हैं तो वो अक्सर उसकी उम्र के बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन करते हैं। सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा हो, वो हमें किस तरीके से समझेगा, किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इन सारी चीजों के अंदर एज बहुत ज्यादा मायने रखती है। कई लोगों का मानना ये होता है कि शादी के अंदर एज काफी ज्यादा जरूरी होती है। अगर लड़का और लड़की दोनों के बीच में ही थोड़ा सा भी एज डिफरेंस हो तो वो शादी को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा प्रमाण होता है, क्योंकि एक जैसी थिंकिंग और एक जैसी एज शादी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि या तो लड़की या फिर लड़का दोनों की ही एज में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। ये सारी चीजें शादी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए और एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब सेम एज के दो लोगों की शादी होती है तो अक्सर उनके बीच में लड़ाई झगड़े काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर एज डिफरेंस के बीच में शादी होती है तो लड़ाई झगड़े काफी कम होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखने की चेष्टा काफी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े तो कम होते ही हैं बल्कि शादी को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बिठाते हैं और थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, अपनी चीजों को सैक्रिफाइस करते हैं एक दूसरे की खुशी के लिए, और यही शादी के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी होता है। इसीलिए कई केसेस में शादी के बीच में लड़का और लड़की के बीच में एज डिफरेंस का होना जरूरी है। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।